Hey everyone, a very warm welcome to all of you to One Academy SSC Plus. My name is Yashika Tandon, presenting you a next video based on Static GK Booster Series. So, हमारी 3 मिनट की Static GK Booster Series चल रही है, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ आज टॉप 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2020. यस, आपको ये याद रखने हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पूछे जाते हैं, उनकी लोकेशन पूछी जाती है. तो चलिए बात करते हैं आज इसके बारे में. आपके सामने मैप रखा गया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं, और आपको एक तरीके से ओवरव्यू मिल जाए. अगर आप भूल भी जाओ तो भी आपको याद रहे. जैसे कि आप इस लोकेशन पे देख पा रहे हो, दिल्ली में है. ठीक है जी, आप देख पा रहे हो जो है इधर से तारापुर में है, मुंबई में है. ठीक है जी, सो इस तरीके से ये सारी साइट्स हैं. अब मैं आपको एक एक कर इनके बारे में बताती हूँ. सबसे पहले बात करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, उसका नाम क्या था. आपको याद रखना है TAPS, ये शॉर्ट फॉर्म है. उसका पूरा नाम था तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट 1. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था इन इंडिया. ये पावर प्लांट जो है महाराष्ट्र में है, और अक्टूबर 1969 में इसको बनाया गया था. वहीं पर अगर बात करें, अभी तक इंडिया में जो है 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिसमें से 7 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको ये 7 याद रखने हैं. अब इंडिया के बारे में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 5th लार्जेस्ट सोर्स माना जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का. यस एग्जैक्टली, अगर सोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो 5वां स्थान जो है हमारे न्यूक्लियर पावर का आता है, कि न्यूक्लियर पावर से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि पहले आपकी आती है कोल, देन गैस, देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर, फिर उसके बाद आपकी न्यूक्लियर पावर आती है. अब यहीं पर हम मेजर ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं. जैसे कि सबसे पहला आता है तारापुर, महाराष्ट्र में है. इसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 1400 मेगावाट्स है. तो इसके बारे में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको लोकेशन याद रखनी है कि ये कहाँ कहाँ पर है. तो ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि सबसे पहला था. ठीक है, उसके बाद रावत भट्टा है, राजस्थान में है. ठीक है, कुंदन कुलम है, तमिलनाडु में है. कैगा है, कर्नाटका में है. ठीक है, ककरा पर गुजरात में है. कल्पक्कम है तमिलनाडु में. नरोरा है उत्तर प्रदेश में. ये टॉप 7 है, ये आपको याद रखने. एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा कि जैसे कि आपसे पूछा कि तारापुर, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है. ठीक है, तो आपको लोकेशन दे देगा, ऑप्शन दे देगा मुंबई में. ठीक है, बी ऑप्शन सपोज दिया पंजाब में, सी ऑप्शन दिया राजस्थान में, और डी ऑप्शन दे दिया आपको जी महाराष्ट्र में. तो आपको टिक करना है, तो आपको पता होना चाहिए जी वो महाराष्ट्र में है. सिंपल सा लेसन है, इस 7 को याद रख लेना. ये टॉप 7 है अकॉर्डिंग टू 2020, और इंडिया में प्रेजेंट कितने हैं, 22 हैं, जिसमें से हमने 7 की बात की है. अभी आगे चलकर और भी लेसन लेकर आऊँगी. शॉर्ट सा क्रिप सा लेसन था ताकि आपको पता चल सके कि टॉप 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया क्या है 2020. थैंक यू वेरी मच. अगर वीडियो अच्छी लगती है डू लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसे लग रही है. बहुत शॉर्ट एंड क्रिप्स रख रही हूँ, बातों में इनको नहीं निकालेंगे, इतनी शॉर्ट रखेंगे कि आपका टाइम जितना सेव हो सकता है उतना सेव करूँगी. राइट, सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ में पिछली वीडियोज़ भी देख लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे.